हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नॉलेज। आज दो मुकाबले होने वाले हैं, जहां पर पहला मुकाबला होगा जिनके बीच सीज़न वन से लेकर सीज़न छः तक जो कि उनकी राइवलरी चलती आ रही है, जहां पर यू मुंबा भिड़ेंगे जयपुर पिंक पैंथर के साथ। जी हां, जयपुर पिंक पैंथर अपना आज से कैंपेन शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ यू मुंबा ने अपने पहले ही मैच में तेलुगु टाइटन्स को अपनी होम लीग में हरा दिया था। तो यू मुंबा का जो कैंपेन है वो अच्छी तरह से शुरू हो गया है और दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर चाहेंगे कि अपना आज से जो कैंपेन शुरू हो रहा है वो एक जीत के साथ दर्ज करे। पर यह मुकाबला बहुत ही रोमांचकारी होगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। आइए नज़र डालते हैं कि क्या होगा प्लेइंग सेवन दोनों टीमों की तरफ से। जहाँ तक बात की जाए यू मुंबा की तरफ से, यू मुंबा के जो दो कॉर्नर खेल रहे हैं अभी फजल अत्राचली और संदीप नरवाल, बहुत ही अच्छा खेले थे अगेंस्ट तेलुगु टाइटन्स। और उनके जो सुरेंदर है उन्होंने भी अच्छा कवर में उनको साथ दिया। तो उनके दो रेडर है रोहित बल्लन और अभिषेक सिंह, उन्होंने भी अच्छे खासी एक रीडिंग में अपना प्रदर्शन दिया था। हालांकि उनके पास कोई अच्छा स्टार रेडर है नहीं, पर फिर भी एम एस अतुल भी उनके लिए अच्छे एक ऑलराउंडर कर उभर कर आए थे। तो एक अच्छा खेमा है यू मुंबा का। जहाँ तक बात की जाए जयपुर पिंक पैंथर, उनका आज से कैंपेन शुरू हो रहा है, पर उनके जो प्लेयर है लाइक दीपक निवास हुड्डा, दीपक नरवाल, जो वो अच्छे एक ऑलराउंडर है। जहाँ तक बात की जाए संदीप धूल, जी हाँ संदीप धूल एक अच्छे लेफ्ट कॉर्नर है और राइट कॉर्नर में उनके पास ऑप्शन है अमित हुड्डा। जी हाँ अमित हुड्डा एक एक्सपीरियंस होल्डर है। तो ये अच्छा एक खेमा है जयपुर पिंक पैंथर का भी। सुनील सिद्धगवली, जी हाँ अच्छे एक कवर है, अच्छा डैश करते हैं अपने दोनों तरफ खेलते हैं, राइट कवर लेफ्ट कवर। तो अच्छा एक उनका भी एक कॉम्बिनेशन है। तो आइए नज़र डालते हैं कि क्या प्लेइंग सेवन हो सकता है आज के मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से। जहाँ तक बात की जाए जैसे कि मैंने कहा कि दोनों टीमों के पास अच्छे डिफेंडर है, जहाँ पर फजल अत्राचली आपने देखा होगा फिर पिछले मैच में अच्छा एक हाई फाई दिया था। देन जैसे मैंने कहा संदीप धूल एक अच्छे टैलेंट उभर कर आए हैं जयपुर पिंक पैंथर के लिए। अमित हुड्डा एक एक्सपीरियंस होल्डर है, सुरेंद्र सिंह जो कि खासा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। देन सिद्धगवली एक अच्छे ऑलराउंडर है और अच्छे डिफेंडर भी है, कभी भी वो रेडिंग भी कर लेते हैं। तो अच्छा एक चांस है सिद्धगवली को अपने को एक साबित करने का इस मैच में। देन आप देख सकते हैं कि एक ये जो बेंच स्ट्रेंथ है दोनों टीमों की तरफ से, यो चांग को भी अच्छे डिफेंस है जो कि साउथ कोरिया से है। तो ये हो गया डिफेंस का खेमा। तो जहाँ तक बात की जाए तो मैं आपको कहूँगा कि आप जैसे कि आप टीम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने तीन डिफेंडर को सिलेक्ट किया है, जिसमें मैंने सुरेंद्र को सिलेक्ट किया है और एस के धूल को सिलेक्ट किया है। जी हाँ एस के धूल को सिलेक्ट किया है और सुरेंद्र को सिलेक्ट किया है। जहाँ तक बात की जाए एस के धूल को सिलेक्ट करना और वहाँ पर फजल अत्राचली को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जी हाँ फजल अत्राचली एक अच्छे जिनको अभी इस टूर्नामेंट में बोला है सुल्तान, जी हाँ सुल्तान को आप सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि क्रेडिट का इशू था इसके लिए मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, और एक रीज़न भी है जो रेडर है जयपुर पिंक पैंथर के वो ज़्यादातर लेफ्ट रेडर है और ये जो खेलते हैं लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं, तो जो है उनके लिए चांसेस कम है। बट फिर भी एक अच्छे बैकअप है, अच्छे ऑप्शन है आपके लिए फजल अत्राचली, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। संदीप धूल को मैंने सिलेक्ट किया है कि यू मुंबा के पास अभिषेक सिंह वगैरह है जो राइट रेडर है, उनके लिए खतरा हो सकता है। संदीप धूल उनको मैंने सिलेक्ट किया है और सुरेंद्र जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा डैश करते हैं, तो उनको मैंने सिलेक्ट किया है एज ए डिफेंसर। अब बारी आती है दोनों टीमों के जो ऑलराउंडर है, दोनों टीमों में अच्छे ऑलराउंडर का भी खेमा है। जहाँ तक आप देख पा रहे दीपक निवास हुड्डा जो कि जयपुर पिंक पैंथर के कैप्टन भी है, संदीप नरवाल पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, अच्छा डिफेंस किया था, सिद्धार्थ देसाई को उन्होंने तस के मस नहीं होने दिया, अच्छे डिफेंस किया था, नितिन रावल जो कि यू मुंबा से भी खेल गए थे जयपुर पिंक पैंथर में अभी अच्छा खेल रहे, तो वो ऑलराउंडर है। देन संतापना सेल्वम, जी हाँ जयपुर पिंक पैंथर के लिए संतापना सेल्वम बहुत अच्छे है। देन एक अच्छा बेंच भी है, मोहित बलियान भी है,
तो ये एक अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है दोनों टीमों की तरफ, जो कि अच्छे ऑलराउंडर है। जहाँ तक बात की जाए कि ऑलराउंडर में मैंने आप सिलेक्ट कर सकते हो नितिन रावल को और दीपक निवास हुड्डा को, उनको तो आपको करना ही है। दीपक निवास हुड्डा एक अच्छे मंझे हुए ऑलराउंडर है जो कि टीम इंडिया भी खेल गए हैं, तो अच्छे एक ऑप्शन है दीपक नरवाल, दीपक निवास हुड्डा। और नितिन रावल को मैंने पिक किया क्योंकि वो अच्छा डिफेंस भी कर लेते हैं और रेडर डू और डाई में उनका रिकॉर्ड खासा अच्छा है, तो वो एक ऑप्शन है नितिन रावल। अगर आपको ऑलराउंडर में किसी पिक को पिक करना हो तो आप संदीप नरवाल को भी पिक कर सकते हो। जी हाँ, संदीप नरवाल को भी आप पिक कर सकते हो। तो ये हो गया ऑल अबाउट ऑलराउंडर के लिए। अब बारी आती है डिफेंस की, जहाँ तक सॉरी रेडर की, डिफेंस हो गया, ऑलराउंडर हो गया। अब बारी आती है जहाँ पर रेडर, रेडर दोनों डिपार्टमेंट में अच्छे टीमों में अच्छे रेडर हैं, जहाँ में से मैंने कहा रोहित बलियन और अभिषेक सिंह जो कि यू मुंबई के लिए अच्छे खेल रहे हैं, दीपक नरवाल और नीलेश सालुंगे जो कि आपने देखा होगा नीलेश सालुंगे तेलुगु टाइटन्स के लिए खासा खेले हैं, बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड था तेलुगु टाइटन्स के लिए, डू ऑर डाई के लिए भी वो अच्छे हैं। दीपक नरवाल जो कि एक पटना पायरेट्स भी खेल चुके हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, तो वो एक ऑप्शन है। देन डी जियोन ली, जी हाँ साउथ कोरियन अटैकर, एम एस अतुल जैसे मैंने कहा कि वो एक ऑप्शन है, तो खासा रेडिंग में भी उनको सपोर्ट मिलेगा यू मुंबा को। देन विनोद कुमार, जी हाँ विनोद कुमार भी अच्छे ऑलराउंडर में है जो कि अच्छा डिफेंस भी करना जानते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट रेडिंग डिपार्टमेंट। तो जहाँ तक बात की जाए तो रेडिंग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं मैंने तीन रेडर्स को पिक किया है, उसमें से एक है अभिषेक सिंह, रोहित बलियान जो कि अच्छे ऑलराउंडर है यू मुंबा की तरफ से। देन बारी आती है एक ऑलराउंडर फ्रॉम अपना जयपुर पिंक पैंथर, तो जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया नीलेश सालुंगे को। जी हाँ नीलेश सालुंगे को मैंने पिक किया एज एन ऑलराउंड एज ए रेडर। हालांकि दोनों टीमों में से जो रेडर हैं वो डिफेंस करना जानते हैं, तो उनको मैंने सिलेक्ट किया है एज एन ऑलराउंडर। अब बारी आती है गाइज कि जहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने की, जहाँ तक कैप्टन की बात की जाए आप दीपक निवास हुड्डा को भी कैप्टन कर सकते हो, आप रेडर में से किसी को कैप्टन कर सकते हो। तो मैं नीलेश सालुंग के और दीपक निवास हुड्डा आपको कहूँगा कि ये दो ऑप्शन है आपके पास, आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, सॉरी कैप्टन कर सकते हो। अगर वाइस कैप्टन की बारी आती है तो आप अभिषेक सिंह या फिर रोहित बलियान या फिर दीपक निवास हुड्डा, इन तीनों में से किसी एक को कर सकते हो। अगर आपने संदीप नरवाल को पिक किया है, जैसे मैंने कहा आप ऑलराउंड में संदीप नरवाल को पिक कर सकते हो, संदीप नरवाल को अगर पिक करते हो तो आप उनको वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो गाइस ये हो गया ऑल अबाउट सिलेक्टिंग कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर मेरी टीम आपको अच्छी लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।